नमस्कार, वैद्य अभिषेक ठाकुर। तो मित्रों, आज मैं आपको कुछ जो फल हमने संग्रह किए हैं उनका मैं चलचित्र आपको प्रेषित करने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो है वो हमने संग्रहित किया है आज हरितकी के फल। तो टर्नेला चेबला जो है वो इसका बॉटनिकल नाम है। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े जो है वो साइज़ में हैं। अगर हम इसमें आयुर्वेद गुण धर्म की बात करें तो ये लघु और रुक्ष जो है ये इसमें गुण रहता है, और लवण वर्जित पंचरस रहता है, लेकिन इसमें कषाय रस जो है वो प्रधान रहता है। वीर्य इसका उष्ण होता है, प्रभाव इसका जो है वो त्रिदोष घन रहता है, और विपाक इसका जो है वो मधुर रहता है। तो ये फल जो है वो आज हमने संग्रहित किए हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि कुछ फल जो है वो पेड़ पे ही जो है वो सूख गए थे, और कुछ फल जो है वो अभी आर्द्र अवस्था में है, हरी अवस्था में है। तो ये इनका साइज भी ऐसा ही हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए आप इनको जो है, ये अभी कच्चे कच्चे नहीं बोल सकते इनको, पक गया है, लेकिन ये जो है वो शुष्क होके जो है वो इस तरह से ये बन जाएंगे। तो हमारा जो मेन मकसद जो रहता है, हमारा मेन मकसद रहता है इस शरद ऋतु में जो है वो औषधीय द्रव्य संग्रहण का, क्योंकि बहुत सारी जो औषधियां हैं वो इस ऋतु में पक गई होती हैं। तो ये जो हरितकी के जो फल हैं जिन्हें आज हमने जो है वो संग्रहित किया है, तो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि भिन्न भिन्न योगों में हमें इसको जो है वो प्रयोग करना है। तो हमारा अभी मुख्य लक्ष्य जो है वो आगामी जो मास दिसंबर, जब हमारा आंवला भी पक जाएगा तो हम च्यवनप्राश में भी इसको डालते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है वो हम इसे ब्रह्म रसायन में भी, ये उसका भी एक जो है वो घटक द्रव्य रहता है। तो ऐसा ही जो है वो निरंतर हम विशुद्ध आयुर्वेद में औषधि संग्रहण के लिए जो है वो प्रयत्न करते रहते हैं। और हालांकि ये हरितकी जो है वो अभी उचित मात्रा में हमारे पास एकत्रित नहीं हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है वो हरितकी बहुत कम लगी है। बहुत सारे पेड़ों पर जो है वो हमने देखा, तो एक आधा दो पेड़ में जो है वो हमें ये फल मिले। तो होता है ऐसा कभी कभी, हो सकता है इस बार बरसात भी है जो थी वो इतना ज्यादा नहीं हुई है, तो ये फल भी जो है वो नहीं लगे। जैसे गत वर्ष आपने देखा था कि आंवला जो था वो बहुत कम कम मात्रा में जो था वो लगा था, इस बार आंवला बहुत है लेकिन हरितकी जो है वो कम है। तो ये प्रयास हम करते रहते हैं इस तरह से जो है वो औषधि द्रव्य संग्रहण का। शरद ऋतु है और ये भिक्षुकों के लिए जो है, आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए जो है वो वरदान स्वरूप रहती है। तो बहरहाल मेरा मुख्य मकसद आपको ये फ्रेश फार्म फ्रेश जो हरितकी जो फल है जो हमने आज संग्रहित किए, इनको आपको दिखाना था। तो ऐसे ही विशुद्ध आयुर्वेद की जड़ी बूटी दर्शन हेतु, विशुद्ध आयुर्वेद की जानकारी के लिए और विशुद्ध आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो है वो आप जुड़े रहें वैद्य अभिषेक ठाकुर के साथ। नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।